गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं भास्कर त्रिपाठी आज आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत एक स्पेशल टॉपिक के बारे में समझाऊंगा, जिसका नाम है जैव विविधता के संरक्षण का महत्व। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है कि जैव विविधता क्या होती है और ये जैव विविधता नष्ट क्यों होती चली जा रही है। ठीक है, तो जैव विविधता का क्या अर्थ है कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवों का पाया जाना। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, हर जीव में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं, चाहे उनमें जो अंतर ये उत्पन्न हो रहे हैं ये आवास के कारण आया हो, उनके रंग रूप के कारण आया हो, आकार के कारण आया हो, किसी भी वजह से उनमें कोई भी अगर विशिष्ट लक्षण उत्पन्न हो रहा है जिससे वो एक जीव दूसरे जीव से डिफरेंट हो गया हो, उसके करैक्टर बदल गए हो, वो आपका जैव विविधता की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर अलग अलग लक्षणों वाले जीवों का पाया जाना। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि जितनी भी जैव विविधता पाई जा रही है अपनी पृथ्वी पर, ये नष्ट होती चली जा रही है। कई सारे हमने आपको कारण भी बताए थे किन किन कारणों से ये जैव विविधता नष्ट होती चली जा रही है। तो आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर जैव विविधता नष्ट हो रही है तो इससे हमें क्या फायदा या हमें क्या नुकसान, नष्ट हो रही है होते जाए, कोई शेर मर गया हमारे पास से क्या फायदा, हमारे पास तो शेर रह नहीं रहा था, या कोई पौधा नष्ट हो गया, कोई पौधा की जाति समाप्त हो गई तो इससे हमें क्या नुकसान है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, अभी मिल रही, पहले भी मिल रही थी, पहले भी 20% ऑक्सीजन थी, आज भी 20% वायुमंडल में ऑक्सीजन उपलब्ध है। आखिर कोई पौधे की जाति नष्ट हो रही है तो, या कोई जंतु की जाति नष्ट हो रही है तो इससे हमें क्या फायदा है या क्या नुकसान है, नष्ट हो रही है तो क्यों हो रही है, इनके कारणों को हमने आपको पिछली बार बताया था। आज हम इनके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये जैव विविधता जो नष्ट हो रही है इसकी वजह से हमें क्या नुकसान हो रहे हैं। पहला जो है हमारा नैतिक मूल्य है, जैव विविधता को बचाने की हमारा जो नैतिक मूल्य है इस पर क्या विचार है। ध्यान दीजिएगा, नैतिक मूल्य का मतलब है कि हमारा जो कर्तव्य है, बचपन में आपने एक बुक पढ़ी होगी मोरल साइंस, ठीक है, उसमें बताया जाता है कि हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं, हमें क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। हमने किसी भी जीव को उत्पन्न तो किया नहीं है, या मटर के पौधे को हमने उत्पन्न कर दिया हो, या अरहर के पौधे को हमने उत्पन्न कर दिया हो, ठीक है, या शेर हमारी वजह से उत्पन्न हुआ है, ईश्वर ने बनाया है। हर जीव जो भी इस पृथ्वी पर पाया जा रहा है उसको बनाने का कार्य प्रकृति का है, ईश्वर का है। तो जब हमने किसी वस्तु को बनाया नहीं है तो हमें उसे मिटाने का भी कोई अधिकार नहीं है। यही हमारा एक नैतिक मूल्य है, नैतिक कर्तव्य है कि किसी भी जीव जाति जो भी इस पृथ्वी पर पाई जा रही हो, चाहे वो बहुत ही सूक्ष्म जीव हो या बहुत बड़ा विशालकाय हाथी या व्हेल हो, कोई भी जीव जाति को हमने ना तो उसे बनाया है इसलिए हमें उसे मिटाने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य की वजह से कोई पृथ्वी पर पाई जाने वाली कोई भी जीव जाति नष्ट ना हो जाए। क्लियर है, तो ये हमारा नैतिक मूल्य है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें किसी भी जीव जाति को अपनी तरफ से कोई हानि नहीं पहुंचने देनी चाहिए। क्लियर है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा प्रकृति एवं जीव मंडल का स्थायित्व। ये जीव मंडल जो इस पृथ्वी पर बना हुआ है, जीव मंडल का अर्थ है कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी जीव पाए जाएं, चाहे वो वायु में पाए जाएं या स्थल पर पाए जाएं, जमीन पर पाए जाएं या जल में पाए जाएं, कहीं भी, तो जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों मंडलों को मिलाकर जहाँ भी जीव पाए जा रहे हैं उनका कुल
जो पार्ट है वो आपका जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल का अर्थ है जीवों के पाए जाने का स्थान पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये जैवमंडल यानी प्रकृति जो है बनी हुई है इस पृथ्वी पर, तो क्यों बनी हुई है? क्योंकि सभी जीव एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जैसे हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारी वजह से पौधे अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं और पौधों की वजह से हम अपने भोजन को प्राप्ति कर रहे हैं। अगर कोई एक जीव जाति नष्ट हो जाएगी तो उस पर आश्रित दूसरी भी जीव जाति नष्ट हो जाएगी। जैसे मान लिया कि जो पौधे हैं उन पर कौन आश्रित रहता है? शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीवों को खाने वाले प्रथम मांसाहारी जीव, प्रथम मांसाहारियों को खाने वाले द्वितीय मांसाहारी के जीव, और इन सभी के नष्ट होने के बाद, इन सभी के मृत्यु होने के पश्चात जो सूक्ष्म जीव हैं वो इन मृत जीव जंतुओं पर निर्भर हैं। अगर कोई भी जीव जाति नष्ट हो जाती है तो दूसरी उस पर आश्रित जीव जाति अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि जो पौधे भोजन का निर्माण कर रहे हैं वो कहाँ से करते हैं? पौधे भोजन का निर्माण जो पृथ्वी है हमारी, यहाँ से खनिज लवण और जल को अवशोषित करते हैं। तो ये पृथ्वी में ये खनिज लवण आते कहाँ से हैं? ये सभी जंतुओं व पौधों के नष्ट हो जाने से आते हैं। ध्यान दीजिएगा इनको नष्ट करने के लिए हम और आप कार्य नहीं करते हैं। इनको नष्ट करने का कार्य जो है सूक्ष्म जीवों का होता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है खेतों में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, मतलब कीटनाशक डाल रहे हैं, ठीक है, शाकनाशक डाल रहे हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है? इनकी वजह से जो खेत हैं या जो जमीन है उसमें जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अगर ये सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए तो जो पौधे या मृत जीव जंतुओं के शरीर को पुनः जो है खनिज लवणों में परिवर्तित होने का कार्य नहीं हो पाएगा। और अगर ये खनिज लवण मृदा में नहीं मिले तो पौधे इन खनिज लवणों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और अगर पौधे भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो हम सभी लोग भी भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अंततः हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो इस पृथ्वी पर जो ये जीव मंडल बना हुआ है ये इसी वजह से बना हुआ है क्योंकि हर एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है और मानव के क्रियाकलापों के कारण ये जीव जातियां नष्ट होती चली जा रही हैं। और अगर ये जीव जातियां इसी तरह नष्ट होती चली गई तो एक समय ऐसा भी आएगा जब इस पृथ्वी पर कोई भी जीव जाति निवास नहीं कर पाएगी और अंततः प्रकृति या जीव मंडल की समाप्ति हो जाएगी। तो प्रकृति या जीव मंडल को बनाए रखने के लिए हम सभी को यह चाहिए कि किसी भी जीव जाति को हम नुकसान ना पहुंचाए, उसे पृथ्वी पर अपने आप पनपने दें, ठीक है। अगला जो महत्व है आपका शैक्षिक महत्व। हम और आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय? बायोलॉजी, जीव विज्ञान, अर्थात जीवों का विज्ञान। और जीव कहाँ है? इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं। और अगर ये जीव ही नष्ट हो गए तो हम किसका अध्ययन करेंगे? हम किसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे? आई बात समझ में? ठीक। तो शैक्षिक महत्व तो ये है कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उनसे क्या हानियां हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिनसे हम अपना जीवन जो है बेहतर बना रहे हैं। अगर ये जीव जातियां धीरे धीरे नष्ट हो गई तो हम जो है इन जीवों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अगला जो पॉइंट है आपका वो है जीन बैंक। ध्यान दीजिएगा, जीन बैंक क्या? बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक का मतलब ये नहीं कि जहां आप पैसा जमा कर रहे हैं। बैंक का अर्थ है कि जहां पर समूह बनाए जा रहे हैं, जहां पर कोई चीज इकट्ठा की जा रही है वो बैंक है। क्लियर है? तो जीन बैंक का मतलब क्या? देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में या कोई भी जीव जाति जो इस पृथ्वी पर मौजूद है उसके शरीर में जो है डीएनए उपलब्ध है और डीएनए के अंदर हमारे शरीर के समस्त लक्षण जीन के रूप में पाए जाते हैं। यानी डीएनए के अंदर जो हमारे लक्षणों की सूचना है या किसी भी दूसरी जीव जाति के लक्षणों की सूचना है वो जीन के रूप में ही स्थित है।
जीन क्या है? डीएनए का एक छोटा सा खंड है जिसके अंदर हमारे किसी एक लक्षण की सूचना निहित होती है। क्लियर है? तो जीन क्या है? डीएनए का एक छोटा सा खंड है जिसके अंदर हमारे किसी भी लक्षण की एक सूचना निहित होती है। तो जितनी भी जीव जातियां पाई जाती हैं और उनके शरीर में जितने भी लक्षण हैं, सभी लक्षणों का कोई ना कोई जीन अवश्य होता है और इन जीन को हम इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, अब जीन को इकट्ठा करके हम करेंगे क्या? क्योंकि हो सकता है कि इन जीनों में कोई ऐसी लक्षण की सूचना उपलब्ध हो जो हमारे लिए यूजफुल हो। ध्यान दीजिएगा कि जीन बैंक में, जैसे हमने आपको बताया कि हो सकता है किसी पौधे में कोई ऐसा लक्षण उपलब्ध हो जो हमारे यानी मानव के लिए कोई उपयोगी हो जाए। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक वृक्ष का नाम है सिंकोना। ठीक है, सिंकोना वृक्ष है। ये कहां पाया जाता है? हिमालय की तलहटी में मिलता है। ठीक है, तो सिंकोना वृक्ष की छाल, ध्यान दीजिएगा, सिंकोना वृक्ष की छाल से एक औषधि का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है कुनैन, और ये औषधि मलेरिया रोग में उपयोग किया जाता है, अर्थात मलेरिया रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए कि सिंकोना वृक्ष ही समाप्त हो जाए, हमने आपको एक कारण बताया था, जैव विविधता की क्षति का कारण बताया था, उसमें ये बताया था कि किसी भी जीव जात का अत्यधिक उपयोग कर लेने से वो जीव जात नष्ट भी होती चली जा रही है। जैसे हाथी, हाथी को किस लिए मारा जा रहा है? उसके दांतों के लिए मारा जा रहा है। टाइगर, उसकी खाल या उसके दांतों के लिए मारा जा रहा है। गैंडा, उसकी खाल के लिए मारा जा रहा है। सांप, सांप की भी जो है स्किन लगती है। ठीक है, तो ये जीव क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि इनके किसी भी पार्ट से, शरीर के भाग से जो है हमें कोई ना कोई फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो सिंकोना वृक्ष था, ये अगर मान लिया समाप्त हो जाए, तो अगर समाप्त हो जाएगा तो इसका जीन हमें कभी प्राप्त नहीं होगा और आगे जो है हम भविष्य में कभी भी मलेरिया रोग का उपचार पुनः नामक औषधि से करने में असफल हो जाएंगे। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। इस तरीके के ऐसे हजारों लाखों जीव जातियां पृथ्वी पर उपस्थित हैं जिनमें कुछ न कुछ ऐसी विशेषता पाई जाती है जिसका मानव कल्याण में उपयोग किया जा सकता है। इसलिए यदि इन जीव जातियों को संरक्षित रखा जाए, इनको हमेशा बचाया जा सके, ठीक है, तो हमें निरंतर इन जीव जातियों से ये जीन प्राप्त होते रहेंगे और इन जीनों से हम कुछ ना कुछ विशिष्ट औषधि या कोई विशिष्ट जो है वस्तु का उत्पाद कर सकेंगे जो जिसका उपयोग मानव कल्याण में किया जा सके। क्लियर है? तो जीन बैंक हो गया। अगला जो महत्व है आपका, आर्थिक महत्व। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक महत्व, आर्थिक का मतलब धन संपदा। जितने भी जंगलों में ये जीव जातियां पाई जा रही हैं, पौधे पाए जा रहे हैं या जंतु पाए जा रहे हैं, इनके किसी न किसी भाग से बहुत ज्यादा औद्योगिक संस्थान जो हैं उनका कच्चा माल उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे रबड़ के उद्योग में, कागज के उद्योग में, तो इन सभी के उद्योगों में ये जो कच्चा माल आपको मिल रहा है, ठीक है, वो कहाँ से मिल रहा है? वनों में या जंगलों में पाए जाने वाले इन जीव जातियों से मिल रहा है। तो अगर ये जीव जातियां नष्ट हो गईं, तो हमें ये कच्चे माल कभी भी प्राप्त नहीं होंगे, और अगर ये प्राप्त नहीं होंगे तो बहुत सारे औद्योगिक संस्थान नष्ट हो जाएंगे, अर्थात हमारा आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इन जीव जातियों का निरंतर इस पृथ्वी पर बने रहना आवश्यक है ताकि हमें ये चीजें सदैव प्राप्त होती रहे और जीवन जो मानव का है वो निरंतर सुलभ और बेहतर होता रहे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका, अप्रत्यक्ष महत्व। अप्रत्यक्ष महत्व का मतलब ऐसे महत्व जो हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन निरंतर हमें मिलते चले जा रहे हैं इन जीव जातियों से। ठीक है, जैसे पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम पौधों को नष्ट करते रहेंगे तो हमें ये ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी फसलें हैं जो हमें भोजन प्रदान कर रही हैं, बहुत सारे जीव हैं जो हमें भोजन प्रदान कर रहे हैं,
ठीक है। तो अगर ये सारे नष्ट होते रहेंगे तो हमें भोजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, हमें ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे हमारा जीवन जो है दुर्लभ हो जाएगा, अर्थात हमारी मृत्यु या हमारी समाप्ति निश्चित है। तो अगर हम कोई दूसरे कारणों पर ना ध्यान ना भी दें तो भी अपने जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए हमें इन दूसरी जीव जातियों को बचाना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो इन सभी कारणों से, नैतिक मूल्य के कारण, प्रकृति और जीव मंडल के स्थायित्व के कारण, शैक्षिक महत्व के कारण, जीवन महत्व के कारण, आर्थिक महत्व के कारण या प्रत्यक्ष लाभ के कारण, हमें जो है कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके तहत हमें ये सचेत हो जाना चाहिए कि जैव विविधता के संरक्षण की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो आज हम सभी लोग मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम अपने द्वारा कभी भी किसी जीव जातियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, कोई टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है अगर, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम उसकी समस्या का समाधान आप तक जरूर पहुंचा देंगे। ठीक है, अगर आपको हर चीज समझ में आ ही गई है, समझ चुके हैं, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। ठीक है।